फुकरे की अगर मैं बात करूँ तो हमने उसकी सक्सेस पार्टी भी अटेंड की थी और बहुत सारे लोगों को पसंद आई थी। तो अब फुकरे रिटर्न्स पे मानते हैं आप लोग कि कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर होगा क्योंकि फुकरे लोगों को बहुत ही अप्रिसिएट की गई, तो आप लोग एज एन प्रोड्यूसर एज एन डायरेक्टर आप लोग मानते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत प्रेशर होगा क्योंकि प्रेशर लोग फिल्म बहुत ही अच्छा कर चुकी है फुकरे? प्रेशर नहीं होता है, जैसे हम लोगों ने पहले भी कहा कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि ये जो किरदार है, कैरेक्टर्स है जिन लोगों को पसंद आए एंड यू नो दे वांट मोर ऑफ इट, तो आई थिंक यू हैव टू डिलीवर टू दैट एक्सपेक्टेशन कि एक जो हंगर थी कि यार कैन वी गेट मोर ऑफ दिस पीपल। सो आई थिंक आफ्टर वॉचिंग द फिल्म, स्क्रिप्ट तो हमने पढ़ी थी बट मैंने फिल्म देखने के बाद मेरे को कहा कि आई एम फीलिंग वेरी सैटिस्फाइड कि यार दिस वॉज वर्दी ऑफ बींग मेड इन टू अ सीक्वल। So I'm feeling satisfied personally. I don't know, अभी आपको ट्रेलर देखे, आपको ट्रेलर पसंद आया तो आई थिंक दैट्स गुड। होपफुली आपको फिल्म भी पसंद आएगी, और अगर फिल्म भी पसंद आ गई और आपके जैसे बाकी लोगों को तो वील हैव वन मोर सक्सेस पार्टी जिसमें आप फिर आके इन्जॉय कर सकते हैं। सो लेट्स होप सो। जब हमने स्टार्ट ही किया था वी न्यू दैट वी हैड दिस वन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें एक अच्छी फिल्म बनानी है, मतलब उसको फोर्सफुली चीज़ों से नहीं भरना है, एक अच्छी कहानी हाथ में होगी तभी आगे बढ़ेंगे, और इसीलिए हमने मतलब इजीली लिया उसको, टाइम लगा के काम किया। एंड एज ही सेड कि वी ऑल आर वेरी हैप्पी विद व्हाट वी हैव गॉट एज द फाइनल प्रोडक्ट, तो आई एम श्योर मतलब लोगों को पसंद आएगा, लोगों को मज़ा आएगा। चलिए, ढेरों सारे आर्टिस्ट हैं इस फिल्म में, तो ओवरऑल जानना चाहेंगे कि कैसा रहा एक्सपीरियंस इस फिल्म को शूट का, फिल्म को क्रिएट करने का? सेम एक्चुअली मतलब लोग देख के भी यही बोलते हैं कि तुमने दोनों एक साथ शूट की थी क्या, क्योंकि वी वर्कड, हमने बहुत वी मेड श्योर दैट ठीक है हमें बनाने में 4 साल लगे बट कहानी एक साल ही फॉरवर्ड होती है, तो वी मेड श्योर दैट कि बहुत ज़्यादा जंप ना हो किसी के उसमें, और एक सेटिंग और एक दुनिया वो सेम रहे क्योंकि वही दुनिया लोगों को बहुत पसंद आई थी, उस दुनिया में क्या नया हो रहा है दैट इज़ वॉट द न्यू फिल्म इज़ ऑल अबाउट। तो बाकी लास्ट टाइम जैसे था कि सब लोग बहुत फ्रेश थे, मेरी सेकंड फिल्म थी वो वाली, बहुत लोगों की फर्स्ट फिल्म थी, तो इस बार तो वो एक जो दोस्ती बनी थी वो मतलब इस टाइम वो एक ऑटोमेटिक में था कि हाँ आप आए हो और आप ऑलरेडी मतलब यू नो, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आपको फोर्सफुली बॉन्ड करना है या ये, सो देर वॉज दैट वन ईज जो था। ऑफकोर्स फुल ऑन मज़ा था, मतलब मस्ती वाली फिल्म है तो सेट पे तो मस्ती चलेगी बिल्कुल, क्योंकि ढेरों सारे आर्टिस्ट हैं, तो अगर आप हमें कुछ बताना चाहें क्योंकि एक तो हमें दिख रहा है ऋचा जी जो है नागिन के किरदार में दिखाई दे रही है, तो आप थोड़ा अगर क्योंकि आर्टिस्ट से भी हम बाद में बातें करेंगे, आप अगर थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन अगर हमें कराएं तो। नहीं मतलब सी कैरेक्टर्स, हाँ ये नागिन है लेकिन वो आपको बता नहीं सकते, लेकिन वो नागिन का फिर शेर भी बन जाती है। ओह ऐसा, अभी मैं आपको और नहीं बता सकता, आपको उसके लिए 15 दिसंबर को आना पड़ेगा जी। कैरेक्टर्स तो वही है ना, कैरेक्टर्स में लाली है, ये जफर है, हनी है, चूचा है, सब कुछ वही है, कैरेक्टर सेम है, कैरेक्टर सेम है, सिर्फ भोली का रूप बदलते जाते हैं, नागिन शेरनी उसके बाद फिल्म। तो कभी है फिल्म 15th ऑफ दिसंबर को आ रही है ये फिल्म, क्या कहना चाहेंगे आप लोग व्यूअर्स को, फैंस को कि फिल्म क्या, आप ये डेट याद रखिएगा, आप मस्ट है एकदम देखना, एंड आपको जितनी फुकरे पसंद आई थी उतना ही आपको मज़ा आने वाला है विद, एंड यू मस्ट टेक किड्स एंड द एंटायर फैमिली अलोंग टू वॉच दिस फिल्म, इट्स गोइंग टू बी दिस दैट वंडरफुल एक्सपीरियंस। फुकरे रिटर्न्स 15th ऑफ दिसंबर, करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट जी। तो अभी मेरे को कुछ और बोलना है कुछ व्यूअर्स को? नहीं, आई एम सेइंग एक अच्छी फिल्म बनाई है एंड आपको पार्ट वन पसंद आई थी, आई एम श्योर यू लाइक द रिटर्न, सो कम एंड वॉच इट, हैव फन, इजी फिल्म है, हॉलीडे पीरियड है, सैंटा क्लॉज भी आएंगे, फुकरे रिटर्न्स भी आएंगे। चलिए।